Yesterday we have discussed the first three points, I think. Again, I will be repeating it. टॉपिक का नाम एक बार दोबारा से समझिए और इसका मीनिंग समझिए. इम्पैक्ट मतलब गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी में चेंजेस लेके आएगी वो भी मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, और जब रूलिंग गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, उसका क्या असर पड़ेगा हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पे. सो टुडेस मैनेजर हैज टू बिहेव लाइक अ ग्लोबल मैनेजर, ही हैज टू बी एन ऑलराउंडर, देन ओनली ही कैन गेट सक्सेस इन रनिंग ऑफ द बिजनेस. The smooth running of the business can be ensured when he is well versed what is happening in the surroundings. ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग के ऊपर बैन लगा दिया और अभी भी आप प्लास्टिक बैग में पैकिंग करके ले जा रहे हो, तो डेफिनेटली द पेनालिटी कैन बी लेविड ऑन योर बिजनेस एंड इवन बिजनेस कैन बी ऑर्डर टू बी सीज्ड, राइट. सो दिस ऑल थिंग पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड. आपको इन सब के बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए. आप अपनी मनमानियां नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने कहा है आपको वो फॉलो करना ही है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. उसने कौन कौन से पॉइंट्स बनाए थे? इंक्रीज कॉम्पिटिशन वॉज द फर्स्ट पॉइंट, एंड फॉर दैट रेफरेंस आई टोल्ड यू दैट अर्लियर देयर वॉज MRTP एक्ट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन एक्ट बना दिया, जिसके कारण अब सारे बैन हट गए. एनीबॉडी कैन एंटर इनटू द बिजनेस, ठीक है, कोई किसी की मोनोपोली नहीं है. इवन द MNC LPG पॉलिसी के कारण इवन द MNC कैन आल्सो एंटर इनटू योर बिजनेस, ठीक है. तो यू आर नॉट हियर टू रिस्ट्रिक्ट देम बिकॉज द फ्रीडम इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट साइड. सो व्हेनेवर द कॉम्पिटिशन इंक्रीज यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ एज द बेस्ट, क्योंकि अगर आपका सामान लोगों को पसंद नहीं आया तो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास लोग शिफ्ट हो जाएंगे, जिस केस में आपकी सेल कम होगी, आपका प्रॉफिट कम होगा. सो बेटर है कि जब मार्केट में आपकी हैड यू बीन एंजॉयिंग द मोनोपोली, तो आप अपनी मनमानी कर सकते थे. तो गवर्नमेंट ने उन मनमानियों को हटाने के लिए हमारे इंडिया में MRTP एक्ट की जगह कॉम्पिटिशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया, राइट. सो कॉम्पिटिशन जैसे बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन ऑलवेज डिमांड्स कि मार्केट में स्क्वेयर कॉम्पिटिशन है, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा सामान अगर बेचते हैं तो आपके कस्टमर्स उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. बट यू वॉन्ट दैट योर कस्टमर शुड बी रिटेन्ड इन योर बिजनेस ओनली, दे शुड बी अटैच विद योर बिजनेस ओनली. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटीज, यू नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यू नीड टू चार्ज द रीजनेबल प्राइस, यू हैव टू लाइक स्किप द अडल्ट्रेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग फ्रॉम योर माइंड. आपको ये सारी चीजों में अपने आप को एंगेज नहीं करना, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना. तो इंक्रीज कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज. गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी कि मोनोपोली को मैंने खत्म करना है और मार्केट में हर चीज को लेके, हर सर्विस को लेके कॉम्पिटिशन रहेगा. यू नो कॉम्पिटिशन रहेगा तो हमारे सप्लायर्स को तो एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन कंज्यूमर्स आर ऑलवेज बीइंग बेनिफिटेड विद कॉम्पिटिशन. जितना ज्यादा मार्केट में स्वेयर कॉम्पिटिशन होगा, मेरे कस्टमर के चॉइसेस बढ़ जाते, कस्टमर को वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है, रीजनेबल प्राइस पे मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, बिकॉज देयर इज अ फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, राइट. आगे चलते हैं, मोर डिमांडिंग, ये भी कल करवा दिया था, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर. आज के कंज्यूमर को आप फूल नहीं बना सकते, यू कांट मेक देम फूल. और मैंने कल भी एक लाइन लिखी थी, दे आर द किंग ऑफ द मार्केट, माई कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट ऑफ द मार्केट. तो राजा महाराजा को आप नाराज नहीं कर सकते हो, जो उन्हें चाहिए आप वही बनाते हो. एंड नाउअडेज माय कंज्यूमर्स दे आर वेल अवेयर व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट व्हाट रेट इज इट अवेलेबल. आप अपनी एग्जांपल ले लो, मैं अपनी भी कई बार एग्जांपल कोट करती हूँ. आई वांट टू बाय अ माइक्रोवेव, आई वांट टू बाय अ वॉशिंग मशीन, फर्स्टली आई विल बी ओपनिंग द वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, आई विल बी चेकिंग द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल्स, देन ओनली आई विल बी गोइंग टू द मार्केट टू बाय दैट. और मार्केट में अगर नेट के प्राइस से, जो मैंने नेट पे चेक किया प्राइस, उससे ज्यादा अगर सप्लायर मेरे को दे रहा है तो आई विल बी आस्किंग हिम नेट पे तो इतने का अवेलेबल. सो इन दैट केस आई एम बिहेविंग लाइक एन अवेयर कंज्यूमर. मैं सारा कुछ चांच परख के मार्केट में सामान खरीदने जाती हूँ. एंड सेम इज विद यू, सेम इज विद एवरीवन. व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू, व्हेन द एवरी सप्लायर और एनी लाइक कंपनी, एवरी कंपनी इज ओपन टू अस, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन. जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो सप्लायर की वेबसाइट पे है, वो इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग और वहां पे चेक करेंगे वो आर्टिकल हमें कितने का ऑनलाइन मिल रहा है. एंड अगर सेम प्राइस या उससे कम प्राइस पे हमें मार्केट में मिल जाता है, वी विल डेफिनेटली गेट द डिस्क्रिप्शन टू बाय द आर्टिकल. सो दिस इज व्हाट वी कॉल मोर डिमांडिंग, मोर डिमांडिंग. इस यहाँ पे लिखना, मोर डिमांडिंग, डिमांडिंग इज यू आर अवेयर.
वो जो चाहते हैं हमें वही उन्हें क्या करना है, सप्लाई करना है. तो कंज्यूमर्स वुड हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड. मैं पहले कहती हूँ जांच परख के मैं सामान खरीदने जाती हूँ मार्केट में. इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट गिव्स द कंज्यूमर वाइडर चॉइस. ये मैंने ऊपर ही लाइन बता दी. जितना मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ता है उतने हमारे कंज्यूमर वेल अवेयर हो जाते हैं, वो इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं, वो कभी भी घटिया क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. दे विल नेवर पे हाई प्राइस फॉर द इंफीरियर गुड. ठीक है, इवन सर्विसेज में भी दे वॉन्ट द परफेक्शन. इफ यू वॉन्ट टू अवेल एनी सर्विस, लाइक यू वॉन्ट टू अवेल द सर्विस ऑफ कुरियर, you want to run the service of transportation, in that case also you need perfection. Even Swiggy or Zomato, agar kahin delay ho jata hai supply mein, so you are always ready to file a complaint against that person who is again that person is delivery boy ke against. Aap complaint karne ko bhi tayar ho jate ho because you as a well informed consumer are conscious about your rights, right? So, ये भी पॉलिसी में चेंज है कि कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी. अब वो जमाना चला गया जब सेलर ही चलती थी, जो वो बना देते थे हम लोग खरीद लिया करते थे, एंड वी वर द पपेट्स इन देयर हैंड, राइट? नाउअडेज दे हैव टू प्रोड्यूस, दे हैव टू मैन्युफैक्चर दैट विच वी वॉन्ट टू बाय. ठीक है, तो अभी तो कहते हैं कस्टमाइज हुआ है सामान. कस्टमाइज हुआ है, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बना है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है. दिस इज व्हाट वी कॉल मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, एंड दैट चेंज इज गोइंग टू इफेक्ट द बिजनेस एज वेल. हमारे बिजनेस के ऊपर इन कस्टमर के डिमांडिंग होने का बहुत ज्यादा असर पड़ा है. नाउ यू आर नॉट इन अ पोजीशन, यू एज अ सप्लायर आर नॉट इन अ पोजीशन टू चीट योर कंज्यूमर्स एट एनी कॉस्ट, राइट? नाउ कम टू द थर्ड, नेसेसिटी फॉर चेंज. आपके कॉम्पिटिटर हर तरह की नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ नया नया कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड. नो, यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज. जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वैट को मैंने डिमोलिश कर दिया है और मैंने अब उसकी जगह जीएसटी अप्लाई होगा और जीएसटी ही आप हर बिल में ऐड करोगे, वहां पे आप अपनी मनमानियां नहीं कर सकते. ठीक है, नेसेसिटी फॉर चेंज. आप अगर उस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करते, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, प्लास्टिक बैग बंद हो गए, इको फ्रेंडली मटेरियल से अब बैग में आप सामान पैक करके सप्लाई करोगे, तो यू कांट मेक योर ओन रूल्स. यू नीड टू फॉलो व्हाटएवर रूल्स आर बीइंग मेड, व्हाटएवर द प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. So it sometimes it becomes a necessity for you to get or bring the changes to adapt yourself for that changes, right? So business or industry pe iska bhi asar padta hai. Jaise 1991 era mein government ne bol diya ki bahar se companies aayengi aur India mein business chalayengi. Ab to bilkul fundamental change hai. MNCs are already there in the country, but even then our Modi government has announced Make in India. Make in India concept kya? We are inviting the foreigners to come to India and install their plants and to manufacture the things here. And we are promising with them that we will be providing every type of necessary infrastructure to them. So it means we are to inviting na. ठीक, तो गवर्नमेंट ने अगर ऐसा बोल दिया तो हम थोड़ा ना गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. दैट इज फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की बाहर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे सामान बनाएंगे, यहीं से मार्केट में दूसरी कंट्रीज में सप्लाई होगा, तो जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, हमारा वर्ल्ड फेमस नाम नेम और फेम बनेगा. सो दिस इज व्हाट नेसेसिटी फॉर चेंज. यू कांट टेक अ प्ली कि नो हमें पुराने कॉन्सेप्ट के साथ ही लेना. व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द थिंग्स, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू अडैप्ट योर सेल्फ फॉर द चेंजेस. यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी टू अडैप्ट दैट चेंजेस, राइट? So this is what we call necessity for change. Now come to the fourth point. Yahan tak humne us din kar liya tha. I just recalled, rather I revised the things. Come to the fourth point. Need for developing human resource. Need for developing. Wo zamana chala gaya jab aap human beings ko machine ki tarah treat karte the. आप ह्यूमन बींग्स के अपने सेंटिमेंट्स हैं, अपनी इमोशंस हैं, आपने उनको भी डेवलप करने का मतलब क्या है, जहां पे रिक्वायर्ड है आपने उनको ट्रेनिंग देनी. यू नीड टू ट्रेन योर एम्प्लॉइज, सो यू नीड टू सेंड देम फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम. आपने उन्हें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है, तो हो सके तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कभी उनका कोई रिक्रिएशनल क्लब ओपन कर दो, कभी उनके लिए कोई योगा क्लासेस अरेंज कर दो, कभी उनके लिए आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम अरेंज कर दो, सो दैट देयर पर्सनालिटी कैन बी डेवलप्ड. एंड यू नो व्हेनेवर योर एम्प्लॉइज दे आर, यू कैन से मेंटली फ्री एंड
they are able to control their emotions. In that case, they will be putting their best. Their efficiency to do the work will enhance. So such type of things are also the business houses required to do. Indian enterprises have suffered for long with inadequate trained persona. तो अगर कहता आज भी कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे हमें अनस्किल्ड लोगों से काम करवाना पड़ता है, तो बेटर है जब आपने उन्हें अपॉइंट किया उसके 2-4 महीने तक पहले उन्हें ट्रेन करो, अपॉइंटमेंट के बाद 2-4 महीने का उनका ट्रेनिंग का कैंप लगाओ, ठीक है, उन्हें मेक देम रेडी फॉर द जॉब विच यू आर इन अ पोजिशन टू एलोकेट टू देम और यू आर गोइंग टू एलोकेट टू देम. सो आप पहले उनको ट्रेन करो, उनको स्किलफुल बनाओ ताकि कल को अगर वो ओरिजिनली वर्क प्लेस पे काम करे तो कोई इंजरी ना हो, कोई वेस्टेज ना हो. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू एनहांस देयर कॉम्पिटेंस, वी नीड टू एनहांस देयर कमिटमेंट. एंड यू नो व्हेन अ पर्सन इज अनट्रेन्ड ही इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई विद द वर्क. फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिड माई एमएससी एंड आई एम टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज, आई विल नॉट बी जस्टिफाइंग विद द सब्जेक्ट बिकॉज माई सब्जेक्ट मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, हाउ कैन आई टीच बिजनेस स्टडीज. एंड सेम इज विद व्हाट a math teacher is going to teach the business studies and mcom student or commerce teacher is going to teach english, so thereby there will be no justification at all. So agar aap us field mein trained hai to aapki enhancement hoti hai commitment ki, aapki efficiency bhi badhti hai. So this is also the government is requiring, jo banda jis kaam mein efficient hai aap unhe wahi kaam allocate karo. Then market orientation, very good point, aaj ke zamane mein apply hota hai market orientation. इसके बाद मैंने सेकंड बुक करवानी है बेटे, एलपीजी को 2 दिन में लगाऊंगी, देन आई विल बी पिकिंग द सेकंड बुक एंड फ्रॉम देयर वी विल बी डूइंग मार्केटिंग, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट का एक टॉपिक बनता है, बिजनेस एनवायरनमेंट पे टॉपिक बनता है. वन चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद इन 2 डेज एंड वन मोर प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनता है. नाउ आई विल बी गिविंग यू द एलोकेशन ऑफ द ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग योर समर ब्रेक. आई विल जस्ट बी एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट फॉर बिजनेस स्टडीज नॉट ऑफ अकाउंटेंसी दिस टाइम. अदरवाइज मैं समर वेकेशन में दोनों सब्जेक्ट कर रही थी, बट दिस टाइम आई जस्ट पिक द फर्स्ट बुक, थर्ड बुक में से प्रोजेक्ट बनता है. सो दैट्स व्हाई आप आराम से एक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट अच्छे तरह से तैयार कर पाओगे. मार्केट ओरिएंटेशन वैसे मेरा उस बुक में से पॉइंट बनता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या डिस्कस किया, मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, कंज्यूमर फोकस्ड होनी चाहिए आपकी अप्रोच. और गवर्नमेंट ने भी यही बोला, सेटिस्फेक्शन अमंग द कंज्यूमर शुड बी योर प्रायोरिटी. सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, this is what we call market orientation. Means aaj ke mere business house ko profit oriented nahi hona, aaj ke mere business house ko ye samajhna hai ki once the consumers are being satisfied they will be in a position to earn high and higher profit. theek hai, main kai baar ek quote kiya karti hu, kisi saloon mein maine ye padha dekha tha, if you are satisfied tell others, if not tell us. इसका मतलब क्या है, इफ एज आवर क्लाइंट्स यू आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज देन टेल अदर्स, दूसरों को हमारे बारे में रिकमेंड करो, अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो हमें बताओ, हम उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केट ओरिएंटेशन. ठीक है, तो आजकल हमारे गवर्नमेंट ने रूल बना दिया जब उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लॉन्च किया कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना हमारे बिजनेस हाउस की प्रायोरिटी है. एंड अगर बिना बिजनेस हाउस मार्केट ओरिएंटेशन नहीं रखता तो उस केस में वी कांट इंश्योर द सक्सेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट. ठीक है, हम उसकी मार्केट स्टैंडेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि उसने मार्केट का फंडा ही फॉलो नहीं किया. ही हैज नॉट शिफ्टेड फ्रॉम प्रॉफिट ओरिएंटेशन टू मार्केट ओरिएंटेशन. सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, यू नीड टू बी मार्केट ओरिएंटेड. यस, लॉस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा वेक है बट आई विल टेल यू, लॉस ऑफ बजेटरी support to public sector. Public sector में तीन ही तो department रह गए, nuclear arms minister and your railway. तो public sector के बारे में हम लोगों ने plus one में पढ़ा होता है, forms of organization में, right? जो हमारी ministry के under organizations चलती हैं, undertakings चलती हैं, वो public sector. इस point का यहाँ पे देना का मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि पब्लिक सेक्टर जब गवर्नमेंट के हाथों में था तो उसमें मैक्सिमम लॉसेस आ रहे, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी और मैक्सिमम चीजें क्या कर दी, प्राइवेटाइज कर दी. जब सारी चीजें प्राइवेटाइज हैं तो मेरे प्राइवेट बिजनेस को अब सोचना है, अपनी मार्केट सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसने मार्केट में अच्छी सर्विसेज और अच्छी गुड्स की क्या करनी है, सप्लाई करनी है, क्योंकि आज का जमाना प्राइवेट सेक्टर का है. पब्लिक सेक्टर में तो सिर्फ गिने चुने 3 सेक्टर ही तो है. ठीक है,
जैसे जैसे आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स में से अपना हाथ पीछे हटा रही है, गवर्नमेंट सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रही है, तो यू शुड ऑल्सो ब्रिंग द चेंजेस. यू शुड ऑल्सो फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ द गवर्नमेंट. की गवर्नमेंट चाहती है कि सारी चीजें प्राइवेटाइज हो जाए. गवर्नमेंट तो अब रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने के बारे में सोच रही है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को भी प्राइवेटाइज करने के बारे में सोच रही है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स एफिशिएंसी इन दीज सेक्टर्स. So, by following that policy and by considering the government policy, you need to bring efficiency in your business activities. आपको अपने कस्टमर्स को नाराज नहीं करना, आपको उन्हें अच्छी खासी सर्विसेज देनी है, क्योंकि अब आपका कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन अपने ही सेक्टर के साथ है. मीन्स प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ ही कॉम्पिटिशन है. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू कम फॉरवर्ड, यू नीड टू ब्रिंग द चेंजेस, एंड यू नीड टू स्टडी योर बिजनेस एनवायरमेंट, वॉट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स. So this is all about today's lecture, right? अगर किसी को कोई doubt है, कोई confusion है, you are free to ask. Tomorrow I will be taking your topic and I will give you 2 days. और उससे पहले demonetization के notes I will send, because it is not in your NCERT. But इसी chapter में उसने एक और topic introduce किया हुआ है, that is demonetization. कल वो demonetization आपकी screen पे होगा and you will be reading from there. हो सके तो उसकी hard copy निकाल लेना and staple that hard copy in your NCERT book. ठीक है, that is the meaning of demonetization and its importance. So this is Anmol raised hand. Is it by mistake or intentionally or really she wants to ask something? Let me come to her screen.